तो हे एवरीवन, दिस इज कार्तिक केशवा। सो गाइस देखो यार, तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है यार। इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है कि आपका जो जेई मेंस का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, पोस्टपोन होने जा रहा है। ठीक है, तो ये यार गाइस, जो आपका एग्जाम जुलाई में, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, जो आपका 17 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला था, 22 जुलाई को जो नीट का एग्जाम होने वाला था, वो सब पोस्टपोन होने वाला है। जुलाई में एक भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उस पर बात करने वाले हैं गाइस इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, वो सबसे पहले आप लोगों को अपडेट मिल पाएगा। तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके यार। तो बात कर लेते हैं यार कि पोस्टपोन और कैंसिल, बहुत बच्चे यार भसर मचा हुआ है यार लोगों में कि पोस्टपोन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बहुत सारे वीडियो बच्चे देख रहे हैं, लगातार न्यूज देख रहे हैं। न्यूज देखने से कोई फायदा नहीं है। बस इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, पूरा क्लियर कट बात करने वाला हूँ। ठीक है, 100% प्रूफ के साथ बात करूंगा कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है या कैंसिल होने वाला है। पोस्टपोन मतलब क्या होता है, कि एग्जाम अभी हो रहा है, बाद में एग्जाम होगा, डेट बढ़ा दी गई, डेट एक्सटेंड कर दी गई। कैंसिल मतलब क्या होता है, कि एग्जाम कैंसिल हो गया, अब आपका रिजल्ट आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लगातार पोस्टपोन हो रहा था, मैंने आपसे सबसे पहले फोरकास्टिंग की हुई थी, मैंने सबसे पहले भविष्यवाणी की हुई थी आपसे कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा यार, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, वही हुआ आपके साथ। ठीक है, तो बात हमारी क्या करना है, सोचने की जरूरत है, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि प्रूफ भी देखना है कि क्या बहुत सारे आईआईटी के डायरेक्टर और जागरण, न्यूज ऑफ टाइम्स, जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी अच्छे अच्छे न्यूज पेपर्स हमारे सामने हैं, जो भी अच्छे अच्छे न्यूज पेपर्स इंडिया के, उसमें मतलब उसमें क्या निकल रहा है, उसमें एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है, उसमें आईआईटी के प्रोफेसर का जो बोल रहा है वो निकल रहा है कि एग्जाम क्या हो रहा है, पोस्टपोन होगा। ठीक है, कैंसिल भी हो सकता है एग्जाम। मान लीजिए बार बार अगर एग्जाम आप पोस्टपोन कराते हो, तो इतना लेट कॉलेज हम NIT IIT स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि एडवांस भी हम लोग को एग्जाम कराना है। ठीक है, तो आपका जुलाई में क्या होने वाला है, जुलाई में कोरोना जो है, कोरोना का इफेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, चरम सीमा पे, अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे रहने वाला है कोरोना का इफेक्ट। इसके कारण जुलाई में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा यार। अभी मैं आपको पेपर का कटिंग दिखाऊंगा, जो क्या कहा है आईटी प्रोफेसर ने वो भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका जो एग्जाम होने वाला था जेईई मेंस का, वो समझ लीजिए पोस्टपोन के बराबर है। 99.99% समझ लीजिए कि चांस है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, हाई चांस है कि जेईई मेंस नीट एग्जाम पोस्टपोन होना ही है। क्योंकि उसमें साफ साफ कहना है मिनिस्टर्स का, एजुकेशन मिनिस्टर का, कि भाई हम लोग स्टूडेंट्स के हेल्थ पे, मतलब स्टूडेंट्स के हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि जुलाई में आपका एग्जाम तो होगा नहीं। देखो कैंसिल की बात करेंगे, कई बच्चे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम जो होगा, मान लो अगर एग्जाम का पोस्टपोन होता है, बाद में एग्जाम होता है, या एग्जाम कैंसिल होता है, एग्जाम कैंसिल होगा तो रिजल्ट कैसे बन के आएगा। ठीक है, तो एग्जाम कैंसिल होगा तो बहुत सारे मतलब बन के आ रहे हैं कि संभावनाएं बन के आ रही हैं, ज़्यादा प्रेडिक्शन कौन सा मजबूत है, सबसे स्ट्रांग कड़ी कौन सी निकल के आ रही है, उसमें बात करने वाले हैं आप लोग से। कि कई बच्चे कह रहे हैं कि भैया जेईई मेंस जनवरी के हिसाब से आप लोगों को क्या होना चाहिए, फाइनल ईयर बन के आना चाहिए अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो। ठीक है, कई बच्चों का ये मानना है कि भैया एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, तो क्या कैसे होना चाहिए उस पर भी बात करने वाला है इस वीडियो में गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर का कटिंग देख रहे होंगे। न्यूज़पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़िए कि स्टूडेंट्स का दबाव और प्लस पेरेंट्स अभिभावक का दबाव, कि आप लोग स्टूडेंट्स के लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकते यार। एग्जाम भले ही लेट हो, या एग्जाम का कुछ पैटर्न अलग किया जाए, एग्जाम का पैटर्न ऑनलाइन किया जाए, मतलब बच्चे घर बैठे कर सके एग्जाम को, कुछ ऐसा नया सोच कर एग्जाम कराया जाए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे एक साथ एग्जाम आपके एग्जाम सेंटर पे जाके दे सके। तो इसलिए न्यूज़पेपर कटिंग में क्या लिखा हो गया है कि जुलाई में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, चाहे जेईई मेंस ले लो, नीट ले लो, UPTU, BITSET, सारे एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाले हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो इस समय में आप लोग को करना चाहिए कि देखना चाहिए कौन कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे DU के फॉर्म्स आ रहे हैं, BSc के जो अप्लाई कर रहे हो, और बाकी सब जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए फायदेमंद होने वाला है कि कुछ तो पढ़ लो यार। मैं अपने चैनल पर बहुत सारे ट्रिक्स लेके आ रखा हूँ, उस पर कम से कम एक बार तुम लोग उस पर फोकस करके तैयारी करोगे। तो पूरा न्यूज क्या है, समरी क्या है, चलो पूरा मतलब एक बार शुरू से अच्छे से बता देते हैं कि क्या हो गया। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब हो गया भाई, इतना सब्सक्राइब करो कि बटन टूट जाए सब्सक्राइब पर। ठीक है, बटन नहीं तोड़ना है, मोबाइल नहीं तोड़ना है, ऐसे न्यूज नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो सबसे बड़ी न्यूज जिस समय निकल के आ रही है, इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल UPTU जेईई मेंस नीट एस्पायरेंट्स एंड फॉर ऑल BHU BSc एस्पायरेंट्स BITSET एस्पायरेंट्स।
BITEE Aspirants, WBJEE Aspirants, तो फॉर ऑल एस्पायरेंट्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। तो आपका 99.99% लिख के रख लो कि जेई मेंस नीट पोस्टपोन होगा, होगा ही होगा, ठीक है। देखो अब भैया बोल रहे होंगे कई लोग भैया कि ऑफिशियल न्यूज है क्या कोई ये, तो देखो यार ऑफिशियल तो अभी नहीं कहा गया है, क्यों नहीं कहा गया उस पर बात करेंगे, कब कहा जाएगा इस पर बात करने वाले, पूरा क्लियर कट बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो तुम्हारा जो सीबीएसई बोर्ड ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का जो एग्जाम था, जो क्लास सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम था 1 से 15 जुलाई के बीच में जो डिसीजन किया गया था आपका कि 1 से 15 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इतना पहले क्यों नहीं आया? 27 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया, 5 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, आपका मेरिट बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा, उस पर मैं वीडियो ला रखा हूँ, देख चेक कर लीजिएगा, आप लोग को पता होगा ही। तो इसी तरह जो आपका 17 जुलाई को पेपर होने वाला है, शायद 15 से 20 जुलाई के बीच में जो आपका पेपर होने वाला था जेईई मेंस का नीट का, उसके लिए भी क्या हो सकता है कि 5-6 दिन पहले 10 दिन पहले आप लोगों को क्या हो जाए कि MHRD ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे, कुछ ऐसा होने वाला है यार, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा मतलब समझ ही लिए होंगे कि क्या होने वाला है, जेईई मेंस पोस्टपोन होने वाला है। तो जो भी बात आपने समझा कि जेईई मेंस पोस्टपोन होना है, नीट पोस्टपोन होने वाला है, तो आप लोग उस पर विचार करो, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर एग्जाम कैंसिल होता है, अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो आप क्या चाहते हो कि किस बेसिस पे आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए यार, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे तैयारी किए हैं साल भर, उन लोगों का वो पता नहीं क्यों एग्जाम देना चाहते हैं, वो चाहते हैं मतलब उनका परसेंटाइल बढ़ जाए, लेकिन ऐसा सबके लिए एग्जाम तो होना चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, पोस्टपोन होने वाला एग्जाम इस पे आप लोग विश्वास रखें, लेकिन कैंसिल होगा तो किस बेसिस पे अगर आपको रिजल्ट बनेगा वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।